उत्तरकाशी में बालिकाओं को भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति रुचि देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन बालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से आने वाले समय में उत्तरकाशी को पूरे देश में खेलों से एक अलग पहचान मिल सकती है। वहीं खेल प्रेमी व मैदान बचाओ समिति के अध्यक्ष अमेरिकन पुरी का कहना है कि ये हमारा संकल्प है कि हम अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें संसाधन जुटाने होंगे और समय समय पर उत्तरकाशी में खेलों का आयोजन करवाते रहना होगा, जिससे नए नए उभरते खिलाड़ी जनपद के अलग अलग स्तर पर प्राप्त होते रहेंगे। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। आज रामलय मैदान बचाओ के लिए जो हम लोगों ने मुहिम उठाई थी उसके सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले, काफ़ी छात्र छात्राएं जो है युवा वर्ग जो है खेल के प्रति जो है काफ़ी जागरूक हो रहा है और सुबह शाम जो है दोनों समय जो है खेल में अपना समय दे रहा है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो। अगर बात हम आज हॉकी खेल की करते हैं तो जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और उत्तरकाशी जो इतना दूरस्थ जनपद है, सीमांत जनपद है, जहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव है, ऐसी जगह पर हॉकी खेल जब हम मैदान में बालिकाओं को खेलते हुए देखते हैं तो बहुत गर्व से महसूस होता है कि उत्तरकाशी में जहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है उसके बावजूद जो है आज हमारे पास कम से कम 10 से 15 लड़कियाँ जो है हॉकी सीखने आ रही है और वो जिस तरीके से अपने खेल के प्रति रुचि दिखा रही है और दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ रही है वो उत्तरकाशी के भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि उत्तरकाशी का जो नाम है खेल के उसमें जो पूरे देश भर में जाना जाए और हमारे यहाँ का खिलाड़ी जो है राष्ट्र। हम उत्तरकाशी में खेल के बढ़ावे के लिए शासन प्रशासन से सरकार से निवेदन करेंगे कि उत्तरकाशी में एक हॉकी का मैदान बने जिस पर जो है बालक बालिका जो अपने हॉकी की जो उनके अंदर हुनर है उसको दिखा सके और अपना प्रशिक्षण जारी रख सके।